मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय गंगवार जी, प्रथम महापौर अयोध्या के श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, विधायक श्री आशीष सिंह आशु जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह गुड्डू जी, श्री राजेश विक्रम सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, श्री दिनेश जी पूर्व प्रचारक, श्री देवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर अंगद सिंह जी, श्री अमित सिंह जी, श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, श्री शिवेंद्र सिंह जी और श्री दीपेंद्र सिंह जी जो आयोजक हैं, श्री अजय सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में आए हुए सभी क्षेत्रीय नागरिक, सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूं। अयोध्या की ये पावन भूमि जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, इसको शत शत नमन है। उसके बाद मैं श्री प्रभास सिंह जी की स्वर्गीय आत्मा के श्री चरणों में नमन करता हूं, जिनके स्मृति में इस कार्यक्रम को और भव्य और दिव्य बनाया गया है। भव्य इसलिए कह रहा हूं कि इतना विशाल कार्यक्रम और इस हेतु कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आंसू पहुंचे जाए, ये पहली बार मैं देख रहा हूं। और दूसरा दिव्य इसलिए है कि ये दिव्य भूमि है, यहां पर अपने माता पिता के मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया था, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया था, उनका अनुसरण कर रहे हैं उनके दोनों पुत्र, इसलिए दिव्य हो जाता है। मित्रों, निश्चित रूप से श्रद्धेय स्वर्गीय प्रभास सिंह जी की आत्मा जो स्वर्ग में है, वह प्रसन्न हो रही होगी कि उनके दोनों पुत्रों ने उनके द्वारा जो एक अनुष्ठान किया गया था, शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाया है। ये मात्र कोई कंबल वितरण का कार्यक्रम नहीं है, ये एक महायज्ञ है, एक अनुष्ठान है, जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के दर्द को दूर कर रहा है। हमारे राजनीतिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमको मार्गदर्शन दिया था, उसका सच्चा अनुसरण यह अनुष्ठान कर रहा है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा या उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तब तक देश की विकास की बात करना बेमानी होगा। तो आज यह अनुष्ठान उनके उस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है जो हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिखाया है। मित्रों, ये मैं तीसरी बार आ रहा हूं उस भूमि पर। एक बार जब आए थे, जब आंदोलन था, जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प लेकर पूरे देश की जनता एक जुनून के साथ टूटी थी इस शहर में, और उसका जब उस तत्कालीन सरकार ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, उस समय यहां के जिन निवासियों ने उनको अपने यहां पर आश्रय दिया था,
और लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की थी, आज वो सब जनता के सामने देख रहा हूं, उनके विशेष चरणों में नमन करता हूं। एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं शिवेंद्र जी और उनके भाई दीपेंद्र जी, यह भी एक प्रभु का काम है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि यदि कोई मंदिर दूर है तो जो कर चले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, यानी किसी जरूरतमंद को की जरूरत की पूर्ति की जाए, यह ईश्वरीय कार्य है। यह मंदिर के अंदर जाने के बराबर है, यह भगवान के स्मरण करने के बराबर है। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना और उसमें इस शीत लहर में जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, यह एक ईश्वरीय कार्य ही कहा जाएगा। इसमें प्रतिभा सम्मान भी हो रहा है, यहाँ की जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, यानी अपने पिता के काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्, पुत्र और शिष्य, कोई भी गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता है और कोई भी पिता अपने पुत्रों को या पुत्र को आगे बढ़ते हुए खुश होता है। तो उनके इस कार्य को और गति देना और विशाल बनाना, यह प्रशंसा के पात्र है दोनों, सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र, मैं उनका भी अभिवादन करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत आभार, क्योंकि कार्यक्रम तो मैंने बहुत से देखे, बहुत सी बड़ी बड़ी सभाएं भी देखी थी, लेकिन इस हेतु इतनी बड़ी सभा शायद प्रदेश में कभी दूसरी नहीं होगी, ये मेरा दावा है जो मैंने देखा। इसके लिए पुनः मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और पुनः इस धरती को नमन करता हुआ श्रद्धेय प्रभात जी के श्री चरणों में नमन कर रहा हूं। धन्यवाद।